दोस्तों जब विराट कोहली 48 रन पर खेल रहे थे और 48 रन की पारी पर डिवॉल्ड ब्रेविस ने उनको LBW आउट किया, लेकिन वो आउट थे नहीं। आखिरकार थर्ड एम्पायर ने क्यों उनको आउट दिया और क्यों विराट कोहली भड़क उठे, वो सब पूरी डिटेल जानकारी आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट में हमें बताइएगा इस खबर को जानने के बाद क्या आप भी मानते हो कि विराट कोहली आउट थे या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों IPL 2022 के 18वें मुकाबले में RCB ने मुंबई इंडियंस पर 7 विकेट से जीत दर्ज की। हालांकि दोस्तों इस मुकाबले में एक समय पर तो लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम जरूर अपना दबदबा RCB के ऊपर बनाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ हम सभी को नजर नहीं आया, क्योंकि यहां पर RCB की टीम की तरफ से अनुज रावत ने 66 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और उनकी इस पारी की बदौलत RCB की टीम ने 7 विकेट से इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों इसी बीच हम आपको बता दें कि IPL 2022 में अब मुंबई इंडियंस की टीम को लगातार चौथी बड़ी हार मिल चुकी है और ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम को बड़े झटके तो लगे ही हैं और एक साथ में बड़ा झटका बीच मैदान पर लगा था विराट कोहली को। दरअसल दोस्तों इस मुकाबले के अंत होते होते एक विवाद ने तुल पकड़ लिया, जहां पर यह विवाद तब शुरू हुआ जब थर्ड एम्पायर ने विराट कोहली को LBW आउट करार दिया जबकि गेंद उनके बैट से पहले लगी थी। जी हां दोस्तों, यहां पर विराट कोहली 48 रन बनाकर आउट हुए, जहां विराट कोहली के आउट होने के साथ ही RCB को कोई भी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मैक्सवेल ने आकर अंतिम दो गेंदों पर 2 चौके लगाकर RCB को जीत दिलाई। हालांकि विराट कोहली को जो आउट करार दिया गया था यह किस्सा 19वें ओवर में हुआ, जब यह ओवर डिवॉल्ड ब्रेविस डालने के लिए आए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर विराट कोहली को विकेट के आगे फंसाया और बड़ी अपील के साथ मुंबई के फील्डरों ने एम्पायर से आउट की अपील की और एम्पायर ने उन्हें आउट भी करार दिया। हालांकि दोस्तों कोहली जानते थे कि गेंद उनके बल्ले से पहले टकराई है, जिस वजह से उन्होंने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन कोहली इस रिव्यू के लिए कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। और वहीं थर्ड एम्पायर ने जब अल्ट्रा एज में चेक किया तो उन्होंने पाया कि बॉल बैट और पैड से एक साथ लगी है, जिस वजह से उन्होंने एम्पायर के इस फैसले के साथ अपना मन बनाया और उन्होंने विराट कोहली को LBW आउट करार दिया। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर ये काफी ज्यादा चौंका देने वाला फैसला थर्ड एम्पायर के चलते हम सभी को दिखाई दिया। हालांकि तो अगर नियमों के हिसाब से देखा जाए तो विराट कोहली आउट नहीं थे और इसी के ऊपर विराट कोहली ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा था कि मैं आउट नहीं था, लेकिन बीच मैदान पर एम्पायर ने जो फैसला लिया उससे मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ, क्योंकि बॉल मेरे पैड से पहले लगी थी ना कि पैड से। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने बड़ा बयान देकर हर किसी को चौंका कर रख दिया। और अब आप सभी की क्या राय है कोहली के इस बयान के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।